हेलो स्टूडेंट, आइए आपका मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस अम्ल क्षार एवं लवण हमारा ख़त्म हो चुका था। इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? यानी कोई विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि मैंने बताया था नीला किसके लिए बताया था, ये अम्ल के लिए। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। इसका उल्टा कर दो, लानी। तो यहाँ पे लानी बन रहा है, लाल लिटमस नीला कर रहा है। तो हमारा लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार। और क्षार वाली पीएच इसमें एक ही है, यानी 7 पीएच होती है हमारी उदासीन विलयन की, और 7 से अधिक होती है क्षार की, और कम होती है वो होती है अम्ल की। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी से को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? अब बच्चों, हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसमें एक परख नली में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, और अंडे के कवच में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो उसमें हमने HCl अम्ल डाला था और गैस बनी थी, उसको चूने के पानी में प्रवाहित किया था और वो पानी दूधिया हो गया था। तो इसमें हमारा अम्ल कौन सा है, HCl अम्ल है, इसका बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl विलयन की कितनी मात्रा होगी? यानी कि 10 को कितने 8 ml कर रहा है उदासीन, तो 20 को कितना करेगा 16 ml। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है हमारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था अपच को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। ए ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन बी है हमारा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है, तनु, सी ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है? और डी ऑप्शन है हमारा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है? तो बच्चों, ये सारी क्या है, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया है, जिसमें सब में क्या निकलती थी, हाइड्रोजन। और इसका आंसर देखते हैं, संतुलित समीकरण लिखनी है इसकी। ए ऑप्शन था, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की दानेदार जिंक के साथ रिएक्शन करी तो हमारा क्या बना था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो ये इसकी संतुलित रिएक्शन है। इसका दोनों ओर अगर जो तीर का निशान है दोनों साइड देखें तो सारे जो एटम से बराबर हैं। बी ऑप्शन है 2HCl प्लस MgCl प्लस हाइड्रोजन, यानी कि ये इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया हुई थी, तो ये भी हमारी संतुलित है रिएक्शन। तो सारे ट्यूशंस बच्चे एक कर लेना। तीसरा ऑप्शन है 3H2SO4 एक्वस प्लस 2Al Al2SO4 एक्वस प्लस 3H2 गैस। डी ऑप्शन 3HCl प्लस Fe सॉलिड बनना है हमारा, फेरिक क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों, ये सारी रिएक्शन हमारी संतुलित है और शब्द समीकरण है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बच्चों, क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित करिए। तो बच्चों, इसके लिए क्रियाकलाप है, एक कार्क पर 2 कील लगाकर, यानी कार्क पर 2 कील लगा ली, उसको 100 ml बीकर में रख दीजिए। कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब
जाता था स्विच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बीकर में तनु HCl डालकर विद्युत प्रवाहित की जाती है। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के साथ भी के विलयन के साथ भी अलग अलग दोहराएं। तो अवलोकन क्या निकला? यह देखा जाता है कि HCl के विलयन में बल्ब जलता है जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता और बल्ब नहीं जलता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसका क्या परिणाम निकला? तो बच्चों परिणाम में क्या कि HCl अम्ल है जो H+ और Cl आयनों में टूट जाता है और विलयन में विद्युत धारा प्रवाह आयनों के प्रवाह द्वारा होता है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, परिणाम स्वरूप बल्ब क्या होता है, जल जाता है। इसके विपरीत ग्लूकोज तथा एल्कोहल के विलयन में आयन नहीं होते हैं, यानी आयनों में नहीं टूटते हैं और इस प्रकार इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, इस क्रियाकलाप में यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन होते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं उनमें सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन यौगिकों में अम्ल नहीं पाए जाते, यानी अम्लों में तो सब में क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन जो हाइड्रोजन के यौगिक हैं सब में अम्ल नहीं होते हैं। यही कारण है कि ग्लूकोज तथा एल्कोहल हाइड्रोजन होते हुए में हाइड्रोजन होते हुए भी उनमें उन्हें अम्ल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं, जो आश्रित जल है विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा के जल में क्या होता है, विद्युत का चालन। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें आयन उपस्थित नहीं होते जबकि वर्षा के जल में क्या पाए जाते हैं, लवण, और विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये अपघटित लवण की मौजूदगी मौजूद होते हैं, इसके अपघटित होने पर लवण भी उसमें उपस्थित होते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, यानी कि जब अम्ल है उसमें जल उपस्थित नहीं है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं दर्शाता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में ही होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वो अम्लीय गुण दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है बच्चों, हमें 5 विलयन दिए हैं जिनका नामांकन कर रखा है ए बी सी डी, यानी कि 5 विलयन ए बी सी डी वे ई की सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रम से 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन, ए ऑप्शन है हमारा उदासीन, यानी उदासीन कौन सा विलयन है जिसकी पीएच 7 है, वो उदासीन होगा। तो यहाँ किसकी होगी, 7 पीएच, यानी डी जो विलयन है हमारा वो क्या है, उसकी 7 है पीएच, तो ये विलयन उदासीन होगा। प्रबल क्षारीय कौन सा होगा, जिसकी पीएच सबसे अधिक है वो विलयन हमारा कैसा होगा, प्रबल क्षारीय। तो यहाँ 11 पीएच किसकी है, देखो तीसरे नंबर पर हमारा क्या आता है, सी, यानी जो सी है वो प्रबल क्या है, क्षारीय, क्योंकि इसकी पीएच क्या है, 11। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें सी ऑप्शन कि प्रबल अम्ल कौन सा, जिसकी पीएच सबसे कम है वह अम्ल सबसे प्रबल होगा। तो एक पीएच किसकी है, बी ऑप्शन की, तो यानी बी है हमारा जो बी विलयन है उसकी पीएच 1 है, तो ये हमारा क्या हुआ, सबसे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल, यानी अम्ल इसमें हमारे कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसकी पीएच 4 है तो 1 से तो ज़्यादा ही है, तो ये दुर्बल अम्लीय हुआ हमारा कौन सा, विलयन ए। अब है हमारा दुर्बल क्षार, जिसकी पीएच 9 है वो दुर्बल क्षार है, यानी कि दुर्बल क्षार हमारा कौन सा हुआ, विलयन ई। अब पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या होता है, जिसकी पीएच सबसे अधिक होती है उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम होते हैं। तो आरोही क्रम में यहाँ जो 11 है इसमें पीएच ज़्यादा है लेकिन इसका हाइड्रोजन आयन इसमें बिल्कुल कम है, तो इससे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन 9 में होंगे, इसके बाद 7 में,
फिर फोर में और सबसे अधिक आयन हमारे किस में हैं? वन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए और परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए, किस परख नली में अधिक तेजी से गुदगुदाहट होगी? ये तो सीधा दिख रहा है क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा कैसा है, प्रबल अम्ल है, और एसिटिक अम्ल हमारा कैसा है, दुर्बल। तो जो प्रबल अम्ल है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा और उससे अधिक बुदबुदाहट होगी। परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HCl अम्ल CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है। इस प्रकार तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जिस कारण बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 11। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इस पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। दूध का पीएच 6 होता है, जैसे ही दही में परिवर्तित होता है तो पीएच का मान क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि उसमें अम्ल मौजूद, अम्ल पीएच के मान को क्या कर देता है, कम। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। एक ग्वाला है जो दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो ए ऑप्शन हमारा, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है, और बी ऑप्शन है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो ए ऑप्शन था कि ताज़ा दूध में पीएच के मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है, क्यों? क्योंकि क्षारीय स्थिति में दूध आसानी से दही नहीं बनता है, और हमने क्या बेकिंग सोडा मिलाया था, वो क्षार ही था, उसमें क्षारीय होता है। बी ऑप्शन, यह दूध सामान्य दूध की तुलना में थोड़ा अधिक क्षारीय है और दही बनने में सहायक अम्ल क्षारक द्वारा उदासीन हो जाता है, और इस स्थिति में दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। आज ही पढ़ा था हमने बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या करता है, जल के अणु ग्रहण करके जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम कैसा होता है, कठोर। तो उत्तर है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए क्योंकि ये नमी से जल अवशोषित करता है और जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ में बदल जाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया गया है, CaSO4 × ½ H2O प्लस डेढ़ H2O से इसकी रिएक्शन कराई है तो बना हमारा जिप्सम CaSO4 × ½ H2O। क्वेश्चन नंबर 14। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देकर समझाइए, यानी कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और क्या बनते हैं, जल, जिसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका उदाहरण फर्स्ट है हमारा, NaOH की HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर NaCl प्लस H2O बना। दूसरा उदाहरण है HNO3 नाइट्रिक अम्ल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना, KNO3 प्लस H2O। अब आता है बच्चों हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि जो धावन सोडा है, धोनी का सोडा एवं बेकिंग सोडा है, दोनों के दो दो प्रमुख उपयोग बताइए। सबसे पहले हम लेते हैं धावन सोडा, इसका पहला उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग आदि में होता है। दूसरा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो या जल में मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक स्पंजी हो जाता है। दूसरा, इसका उपयोग है सोडा अम्ल बनाने में। तो बच्चों, चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है, जो क्वेश्चन करवाएं इनको कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय।